everyone. Hello everyone. Welcome to our channel. My name is Hiba. And this is Saba. And we are back with another reaction video. और आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है साया 2 और इसमें है सुहेल समीर मुमीना इकबाल मशरूफ खान. तो चले बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलो स्टार्ट करो. मुझे लगता है कि शायद हॉरर साया. हाँ, नाम से तो हॉरर ही होता है. स्टार्ट करते हैं. वक्त कैसे गुजर गया यकीन नहीं आता. अगर आज सालिया जिंदा होती तो कितना खुश होती ना. अपनी औलाद को इस तरह से कामयाब होता देखकर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मिलकर उनके तासुर आपके हवासों पर छाए रहते हैं. पिंकी अपने कमरे में नहीं है और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, कहाँ जा सकती है? कहाँ तक भागूंगी, वो तो रोशनी की रफ्तार में चलता है. मेरे बचपन की कुछ तलख यादें, उनके असरात में जिंदगी में आने वाली खुशियां, मुझे सबसे डर लगता है. एक डर तो मुझे भी है. कैसा डर? तुम्हें खो देने का डर. ये घर तकरीबन 2-3 माह से बंद है और यहाँ अकेली एक बूढ़ी औरत रहती थी. हीरा ने छत से गिर के खुदकुशी कर ली. हीरा? बुढ़िया ने कहा था कि हीरा की रूह ने उससे बात की थी. बुढ़िया कैसे देख सकती है वो सब कुछ जो हमें नजर नहीं आता? अभी कोई दूसरा हमारा इसमें मतलब ये जो है ये आई थिंक उन लोगों को देख सकती है जो जो मर गए. हाँ, जो रूप से मतलब बातें कर सकती हैं. मैं तो भाई चलो मैं टीजर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. बहुत अरसे से अजीब अजीब वाकयात हो रहे हैं हमारे घर में. उस भयानक मखलूक को देखा है मैंने नूर के अंदर. ये कोई और पुरसरार कुवत है जिसके खौफ ने हम सबके जहनों को जकड़ रखा. चला जाओ! इतने सालों के बाद हम फिर से उसी भयानक मोड़ पर आ गए हैं. इस घर में उस मखलूक का बसेरा है. हवाएं चल रही थी, सारी चीजें गिर रही थी. फूल? अब वो रूह है या सिर्फ कुछ नहीं कहा जा सकता. ये साया सालिया का नहीं हो सकता. ठीक है चलो तो टीजर में स्टार्ट करते हैं.
इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। मेरा अंदाजा सही था, उस घर में आसेब नहीं है, बल्कि यह आसेबी साया पिंकी के पीछे। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो है कौन, चाहता क्या और पिंकी के पीछे हाथ हुए पड़ा क्यों। फिरोज मेरी जिंदगी में आया और ख्वाब हकीकत कोई फर्क ही नहीं रहा। दिल चाहता क्या तो मैं तुम्हारी दुनिया से निकाल कर अपनी दुनिया में ले जाऊं। लला वो एक खतरनाक आसेब है, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। वो तुम्हारे इर्द गिर्द किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इन्होंने टीजर 4 में उस भूत को रिवील कराया जाकर, हाँ वो कोई लड़का आसेब, हाँ मतलब वो कोई, मुझे नहीं पता आसेब क्या होते हैं, हमें हमें नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या होते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और जिनकी मतलब सॉरी भूत की आंखें बहुत ही खतरनाक थी, मतलब अच्छी थी, क्या बोले समझ ही नहीं आ रहा, वो आंखें थी उसकी। और मतलब ये दिखाया है कि वो बहुत पावरफुल है और वो स्पेशली तो नहीं कि लड़कियों को पोजेस कर रहा है, लड़कियों को नहीं, वो सिर्फ एक ही लड़की को पोजेस कर रहा है, वो जिसको कह रहे हैं पिंकी, ये जो ट्रेलर है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ये जो टीजर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वैसे तो मुझे हॉरर चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं इसकी ओएसटी और इसकी जो ट्रेलर आएंगे उनके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मतलब। लेकिन हाँ मुझे मज़ा आया ये देखने में और मैं शायद देखना पसंद करूँगी इसे। ये वो वाला सीन याद है जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठे और वो लड़की आ गई, वो लड़की पूरा नहीं, एक तो उसमें वो उड़ गई थी पूरा, और एक में ये भी था कि वो डाइनिंग टेबल ऐसे पूरा पलट देती है। उसका नाम नूर है, हाँ नूर बोला था उस टाइम। और मैं बस मैं देखती रह गई, मैं बहुत रियलिस्टिक सा लग रहा था काफी, बहुत अच्छा देख, मुझे थोड़ा डरावना भी लगा, वो थोड़ा सा लगा कि तो बहुत था, मुझे नहीं लगा था कि एकदम से ऐसा भूतड़ा दिखा देंगे। लेकिन टीजर, हाँ पहला टीजर ही वो मतलब क्या कह रहा था, कफन पहनकर भूत भूत मुझे तो फर्स्ट ही बहुत खतरनाक लगा, क्योंकि फर्स्ट से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। खैर तो आज की हमारी ये वीडियो बस इतनी सी ही है जो कि हिमा को काफ़ी पसंद आई। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो पर भर भर के कमेंट्स दें और हमें ये भी बता दीजिएगा कि ऐसे वगैरह क्या होता है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई हुई किसी वीडियो की रिएक्शन दें तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।